जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। मैंने तो की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, आप जाति कैसे पूछो तो। मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। माननीय सभापति जी, आप बैठ जाए। माननीय अखिलेश जी, आपने जो बात उठाई है मैं उसको दिखवा लूँगा, मैं आपकी बात को ले रहा हूँ, मैं उन्होंने जो बात कही है आप जो विरोध कर रहे हैं मैं उसको दिखवा लूँगा, आपने जो बात कही उसको मैं दिखवा लूँगा। आपको अवसर दूंगा। अच्छा एक मिनट बैठ जाए, आप बैठ जाए सर। एक मैं क्लैरिटी कर दूँ सर, मैंने कहा एक मिनट बैठ जाए, आप सब लोग बैठ जाए। चल, अब लीडर ऑफ अपोजिशन को मैं बुला रहा हूँ, अब ये पर इज इट फेयर इफ आई एम अलाउंड टू योर लीडर ऑफ अपोजिशन, इज इट फेयर, मैं फिर मैं उनको बुला लूँगा, नहीं तो मैं आपको बुला रहा हूँ तो पहले सब लोग बैठ जाएं तब मैं आपको अलाउ करूँ, सब बैठ जाएं मैं आपको अलाउ करूँगा। आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे, मैं आपको अलाउ करूँगा, पहले सब बैठ जाएं, हाउस इन ऑर्डर होगा। गौरव जी आप भी बैठ जाएं, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को अलाउ कर दे रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि हमें इंसल्ट किया गया मैं बिल्कुल आपको अलाउ कर रहा हूँ। सर दीजिए सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपको बोलने दीजिए सर, ऐसा नहीं सर, बोलने दीजिए सर, मैं आपका नाम तो लूँ, राहुल गांधी जी। स्पीकर सर, देखिए जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद, करिए। अरे तो अपनी जाति भी लिखनी पड़ेगी उसमें। आप चुप रहे, श्री अनुराग ठाकुर जी, आप
देखिए हमने समय दे दिया, अब आप बैठे, ये तरीका नहीं है, नहीं ये तरीका है, आपको हमने टाइम दे दिया, आप बैठ चुके हैं, आप बैठ चुके हैं, ये नहीं है, आप बैठ चुके श्री अनुराग ठाकुर जी। सर मुझे लगता था कि इनको भाषण देने से पहले पर्ची आती होगी, हमने आप लेकिन हर बार इंटरवेंशन के लिए पर्ची आती है अपने बलबूते पर। सर उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है, यहाँ पर्ची लेने से काम नहीं चलता है। आप बोल के हटते हो फिर पर्ची आती, फिर बोलते हो, ऐसे कैसे चलता है? मान्य अध्यक्ष जी, मान्य सभापति जी, एक मिनट, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। बिठा के आपको बिठाया बुलाए, अब मैं नहीं करूँगा, मैंने आपको अनुराग ठाकुर जी को बिठा के आपको मैंने समय दिया, तो अब अनुराग ठाकुर जी बोलेंगे। सर मैं इतना ही कहूँगा, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती है। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर, लेकिन मैं इतना कहूंगा सर, सर मैंने क्या कहा था सर, सर 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 माननीय सभापति जी मैं गंभीर बात कर रहा हूं, ये नहीं सुन रहे हैं। मैंने कहा था जिस तुम ठाकुर टैगोर जी, माननीय सभापति जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी अपने ही है मेंशन, उन्होंने ही हैज एक्सप्रेस हिज फीलिंग जो उनको था। नहीं नहीं आप दल से बाहर आ जाए, कृपया आप दल से आ जाएं, फिर मैं उनको फिर समय दे दूंगा। अनुराग जी, सर सर मैंने कहा था कि जिसको जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है, मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने कौन खड़े हो गए। सर मैं कहना चाहता हूँ माननीय सभापति जी, अगर आप देखेंगे मैंने अनुराग जी को बिठा के मैंने माननीय राहुल गांधी को समय दिया, मैंने अनुराग ठाकुर जी को बिठा के, तो कृपया आप लोग जब एलओपी को टाइम मिल गया, एलओपी को टाइम मिल गया तो आप सदन में व्यवधान, अब फिर बोलना चाहते हैं आप, खड़े हो जाइए, आप फिर बोलना चाहते हैं, खड़े हो जाइए, चलिए खड़े हो, आप लोग जाइए बिल से बात। स्पीकर सर, बोलने का मन क्या था? स्पीकर सर इस दे सर माइक नहीं सर माइक एक माइक यहाँ से नहीं जाती सर, मैं नाम जो भी तो माइक आ जाएगा। स्पीकर सर जो भी इस देश में दलितों की आदिवासियों की पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी आप तो हमें समय दीजिए, खत्म हो जाएगा सर, श्री राहुल गांधी खत्म हो जाएगा सर, श्री राहुल गांधी राहुल गांधी जी ये तय कर ली मुझे जब आप चाह रहे हैं बोलने, आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। हाँ, तो कम से कम गौरव जी आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति न क्रिएट करें कि सदन स्पीकर सर सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है, मुझे अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं, मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी मैं चेयर पे हूं और चेयर का काम है कि अगर कहीं भी कोई असंसदी या किसी को गाली दी गई तो मैं उसको देखूंगा
मैं उसको देखूंगा, मैं उसको कार्रवाई निकालूंगा, मिस्टेक है उसको निकलवाऊंगा। ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर अगर दी है तो मैं उसको कार्रवाई का हिस्सा दिखवा के उसको एक्सपेंज करूंगा। आप भी कर रहे हैं, सुना सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, मैं सुन श्री अनुराग ठाकुर जी, माननीय सभापति जी, अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी बैठ जाए, श्री अखिलेश महोदय, श्री अखिलेश सभापति महोदय, मैं केवल इतना सभापति महोदय, वर्षा जी सभापति महोदय, स्वागत दादा, ये क्या तरीका सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है वे, केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस, आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप।